दोस्तों जियो के सभी यूजरों के लिए इमरजेंसी डेटा लोन से रिलेटेड बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जियो के अंदर जो इमरजेंसी डेटा लोन सर्विसेज चलाई जा रही थी वो आज बंद कर दी गई है। जी हां, जियो की इमरजेंसी डेटा लोन सर्विसेज को हाल ही में बंद किया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूजरों ने जियो के इसका गलत फायदा उठाया है। क्यों बंद किया है, अब ये कब तक वापस आएगा, इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो जियो का जो इमरजेंसी डेटा लोन वाली सर्विसेज थी, जो 15 रुपये में 1 GB का डेटा दिया जाता था और 5 वाउचर दिए जाते थे, यानी कि 15-15 के 5 वाउचर दिए जाते थे, वो अब आपको माई जियो सेक्शन में नहीं दिखाया जाएगा। जो जियो इमरजेंसी का डेटा लोन वाला ऑप्शन था, जियो माई जियो ऐप के अंदर से हटा लिया है। अब क्यों हटाया, तो इसके बारे में बता देता हूँ। दरअसल जो 15 रुपये के अंदर एक कस्टमर को 1 GB डेटा लोन दिया जाता था, इसी तरीके से एक यूज़र 5 GB डेटा लोन ले रहा था, उधार तो ले रहा था लेकिन उसकी रीपेमेंट नहीं कर रहा था। साथ ही साथ हर अकाउंट से 15 रुपये का 1 GB डेटा वाला वाउचर खरीदा जा रहा था लेकिन उसकी रीपेमेंट नहीं हो रही थी। एक यूज़र कई नंबरों पर वो डेटा लोन ले रहा था और उसकी रीपेमेंट नहीं कर रहा था। इसी तरीके से लगभग 80% लोगों ने डेटा लोन लिया लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाई, तो जियो कंपनी को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ और आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता था। तो इसी को चलते जियो ने अपनी इस सर्विसेज को हटा लिया है। अब आप इसमें से बहुत सारे अच्छे यूज़र भी थे जो रीपेमेंट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया 80% लोग इस सर्विसेज का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि चने के साथ गुण भी पिस गया, यानी कि जो अच्छे लोग थे उनको भी इस सर्विसेज से महरूम कर दिया गया है, उनको भी अब ये वाली सर्विस नहीं मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्विस वापस आएगी या नहीं, या किस तरीके से अब डेटा लोन दिया जाएगा। तो आप सभी यूज़रों की जानकारी के लिए बता दूं, मुझे नहीं लगता कि अब ये सर्विस वापस आने जाने हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़रों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया है और कंपनी को नुकसान पहुँचाया है। कंपनी इस तरीके की सर्विस जब भी लॉन्च करती है जब यूज़र उसका सही फ़ायदा उठाए और सही रीपेमेंट करे, लेकिन यूज़रों ने नहीं किया, तो इसके चलते इस डेटा सर्विसेज को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। आने वाले कुछ वक्त में हो सकता है इसे नए टर्म एंड कंडीशन के साथ, जिसके अंदर आपको पहले कीमत चुकानी पड़े या किसी ट्रस्टेड यूजर को ही इस सर्विसेज को दिया जाए, उनके लिए ये लॉन्च हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये सर्विस बंद कर दी गई है। बस आज की वीडियो मुझे आपको इसी से रिलेटेड अपडेट के बारे में बताना था। अगर आप एक जियो यूजर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या जियो यूज़रों ने इस सर्विसेज के साथ या जियो कंपनी के साथ सही किया, जिसके चलते बहुत सारे सच्चे लोगों यानी कि अच्छे लोगों के लिए भी इस सर्विसेज को हटा लिया गया है। बस आज की वीडियो में इतना।